स्वागत है आप सबका सच न्यूज नेटवर्क में और मैं हूँ यासिर शेख। सच न्यूज नेटवर्क की टीम हमेशा आपके साथ हर पल की खबर शेयर करती है और इस वक्त की बात करें हम हिमाचल में और हम आपको लगातार जो हर जगह की जो खबर है उससे रूबरू करवा रहे हैं। और इस वक्त गए हम अटल टनल के बिल्कुल सामने, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये रहा अटल टनल। और यहाँ की बात करें कि यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, यहाँ से जितनी गाड़ियां भी जाती है, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मोबाइल से यहाँ से जितनी गाड़ियां भी जाती है पूरी चेकिंग करने के बाद ही है जो वो अटल टनल के अंदर जो है वो दाखिल होती है। और यहाँ पर की बात करें तो बहुत ज्यादा क्रोड है। हम ये सामने आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर जो देख रहे हो, मैं कैमरा मैन को बोलूंगा कि एक मिनट को पूरा आपको जो लाइन बताएगा जितनी गाड़ियां भी यहाँ से जा रही है आप सामने देख सकते हो। सारी गाड़ियों की जो है वो चेकिंग करने के बाद ही यहाँ से जो है वो आगे जाने देते हैं। और टूरिस्ट भी है, हम उनसे बात करेंगे कि उनको यहाँ पर जो है वो आके कैसा लग रहा है और कैसा फील हो रहा है। क्या नाम है मैम आपका, कहाँ से आए हो और कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आपको, और कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे? आई फील वेरी एक्साइटेड नाउ। और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट है उनसे भी मैंने बात करवाई आपकी, और यहाँ पर कुछ और कहाँ से आए हो और कितने दिन हो गए हिमाचल में? और यहाँ पर आके अटल टनल पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है सरकार ने। और कुछ टूरिस्ट थे उनसे भी हमने बात की, और इस वक्त बिल्कुल हम आपको बताएं जो लाइव दृश्य आप देख रहे हो ये अटल टनल के बाहर के बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। और कुछ टूरिस्ट थे उनसे भी हमने बात की और उन्होंने भी बोला कि यहाँ पर आके जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और बात करें हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज की और वो अपना काम जो वो अच्छे से जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जितनी गाड़ियां पर भी हम आपको बताएं जितनी गाड़ियां जो है यहाँ से निकलती है सबकी जो है वो चेकिंग करने के बाद ही यहाँ से आपको जो है वो अंदर जाने देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दीजिए, मुझे इजाजत मेरे कैमरामैन के साथ।